हाँ बचाओ कैसे हो तो आज माइनर नंबर थ्री है आपका इसका जो सोल्यूशन है वो कर अपन डिस्कस करते हैं ठीक है कोई डाउट रहा हो तो आप लोग देख लेना तो क्वेश्चन नंबर देखें कि इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए और अपने को इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट है ना तो इनकरेक्ट जो ऑप्शन है वो इसके अंदर अपने को देखना है क्यों तो देखते हैं कि आर्ट्री आर्थिक वॉल एंड हैव नैरो ल्यूमेन एज टू बिल्कुल सही आर्ट्री जो है उसके अंदर वॉल की थिकनेस ज्यादा होती है तो ये वाला सही है फिर एंजेना एंजाइना इज एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन टू ब्रेन इज रिड्यूज नहीं ब्रेन नहीं है इसकी जगह हर्ट आएगा तो ये वाला गलत हो गया फिर पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन नहीं ए बी वाला किसी को डोनेट नहीं कर सकता एक्चुअल में ए बी वाला तो सबसे ब्लड ले सकता है क्योंकि उसके प्लाज्मा में किसी टाइप का एंटीबॉडी नहीं होता है ना तो ये वाला भी ऑप्शन या यहां पर रॉन्ग हो गया फिर कैल्शियम आयन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग ये सही है तो इसके अंदर अपने को क्या पूछा इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट अपने बी एंड सी बी एंड सी कहां पे है? ये तो ऑप्शन नंबर थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइनटी टू की बात लो करते हैं एक इसको नाइन्टी टू इसको रब कर देते हैं <coughs> नाइन्टी टू देखे वेन आर बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल विच वेन के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है कैरी ब्लड टूवर्ड वर्ड द हर्ट फ्राम डिफरेंट ऑर्गन कह सकते हैं कि ना अलग अलग जो ऑर्गन है उनसे इम्प्योर ब्लड को वापस हर्ट की तरफ लेके जाती है ब्रेकअप इंटू कैपलरी विच री यूनाइट टू फॉर्म वन नहीं ये आर्ट्री जो है वो ब्रेक होती है और फिर वो री यूनाइट हो करके फिर uh, जो है मतलब आर्ट्री आर्टेरियो फिर कैपलरी और फिर वेन्यूल और फिर वो वेन में कन्वर्ट होती है तो ऐसा तो जो है आर्टरी में भी हो सकता है कैरी ब्लड फ्रॉम विसरल ऑर्गन टू अनदर विसल ऑर्गन नहीं और सप्लाई डी डी ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन नहीं ऐसा भी नहीं होता है डिफरेंट uh, ऑर्गन की तरफ तो प्योर ब्लड सप्लाई की जाती है तो फर्स्ट ऑप्शन जो वो परफेक्टली इसको डिफाइन मतलब एक्सप्लेन कर रहा है ठीक है अगली बात करते हैं 93, frog and mammal are respectively. Frog के अंदर फोर चैम्बर्ड होता है और दोनों का ही हर्ट जो है मायोजेनिक होता है तो मायोजेनिक हट दोनों के अंदर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है नाइन्टी फोर पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ इड एज ए यूनिवर्सल डोनर क्योंकि uh, जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है उसकी आर बी सी पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है इसीलिए वो सबको ब्लड दे सकता है तो ऐसा ही ऑप्शन अपने को देखना है बिको बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन आर बी सी नहीं बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी नो एंटीजन ऑन आर बी सी एंड नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा बोथ ए एंड बी एंटीजन इन द प्लाज्मा नहीं तो इसके अंदर अपने को ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोग देखें नो एंटीजन ऑन आर एंड नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा लेकिन प्लाज्मा में तो आ, जो है वो एंटीबॉडी होते हैं लेकिन आ, पूरा ब्लड नहीं दिया जाता वो केवल आर दी जाती है ना तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन देखना जो केवल आर के रेस्पेक्ट में बात करे कि आर के ऊपर एंटीजन है या नहीं है तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा एंड नो एंटीजन ऑन आर सरफेस तो आप लोग ऑप्शन नंबर टू देखें एक, एक वापस पीछे चला गया हम्म तो ओ को यूनिवर्सल डोनर कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि उसके आरबीसी पर जो है वो एंटीजन नहीं होते हैं प्लाज्मा में तो एंटीबॉडी होते हैं लेकिन पूरा ब्लड नहीं दिया जाता है ना <coughs> तो ऑप्शन नंबर टू ठीक है आगे बढ़े 95 देखें। नेम द ब्लड सेल विच रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव ब्लड तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं तीन टाइप की ब्लड सेल्स हैं। एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट तो यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स जो है उसकी बात की जा रही है थर्ड आंसर हो जाएगा कार्डियक आउटपुट जो है वो एक मिनट में हर्ट के वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप किया गया है उसके रे, रेस्पेक्ट में होता है ना तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट ठीक है और फिर क्या है हर्ट बीट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम तो हर्ट बीट को स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने पर भी कार्डियक आउटपुट आता है ठीक है तो आंसर नंबर फोर जो वो परफेक्ट हो जाएगा Which one has thickest wall? सबसे ज्यादा थिकेस्ट वॉल जो है उसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है तो सबसे ज्यादा जो थिक वॉल होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के रेस्पेक्ट में आपको याद रखना है फोर वाला फोर ठीक है कुछ एक मिनट ज्यादा गिजार ये हो गया फिर नाइनटी एट विच वन इज करेक्ट करेक्ट देखना है तो ब्लड जो है उसमें प्लाज्मा के अंदर आरबीसी डब्लू बी सी और प्लेटलेट होती है सही है प्लाज्मा क्या है ब्लड माइनस सेल्स ये भी ठीक है फिर लिम्फ प्लाज्मा प्लस आर प्लस डब्लू नहीं जो लिम्फ है उसके अंदर आर नहीं होती कुछ डब्ल्यू हो सकती है तो थर्ड रोंग हो गया लेकिन वन एंड टू दोनों से ये तो आंसर अपना फोर हो जाएगा मैक्सिमम प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग वैन ब्लड एंटर फ्रॉम की सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर कब होगा तो आप लोग जानते हैं कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन uh, होता है तो ब्लड एओटा के थ्रू बाहर जाता है तो उस एरिया में अपन लोग ब्लड प्रेशर को मैक्सिमम फील कर सकते हैं ना तो राइट वेंट्रिकल टू एओटा लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओटा ये वाला देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओटा में जब ब्लड जाएगा तो बीपी को ब्लड प्रेशर को मैक्सिमम सेंस किया जा सकता है ठीक है

एंड डू नॉट गेट ठीक है आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम इन टू एक्टिव थ्रोम्बिन बाई थ्रोमोप्लास्टिन तो यहां पर जो कैल्शियम आयन है वो इसके अंदर हेल्प करता है ठीक है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हर्ट बीट हर्ट बीट की को इंक्रीज करने के रेस्पेक्ट में है तो सिंपेटिक न्यूरल सिग्नल करेगा पैरासिंपेथिक नहीं करेगा मेडुलरी हॉर्मोन करेंगे ए सी वैग कम करती है और थायरोक्सिन बढ़ाता है तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा ए सी एंड ई ए सी ई यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन जिसके अंदर थ्री हो जैसे एम्फीबियंस रेप्टाइल्स ऐसा तो इसके अंदर देखना एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स सेकेंड आंसर हो जाएगा रेप्टाइल्स uh, के अंदर तो चलो इनकम्प्लीट है लेकिन बर्ड्स के अंदर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है तो वन नहीं होगा थर्ड में फिर बर्ड्स आ गया फोर्थ के अंदर फिश के अंदर सिंगल सर्कुलेशन है और एम्फीबिया जो उसके अंदर इनकम्प्लीट डबल है तो अपना आंसर हो जाएगा इसके अंदर सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ट्यूनिकेट्स जो हैं uh, उनके अंदर ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होता है मोस्ट में क्लोज है में भी क्लोज है और सिफिलोपोड है, है तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा फर्स्ट वट शुड बी द एसेंशियल कंडीशन फॉर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के अंदर टू ऑरिकल होते हैं और वन वेंट्रिकल होता है टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल फर्स्ट आंसर हो जाएगा फिर 107 की बात का अगर करें तो लिम्फ अकर एज ए मिडल मैन बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड विच फॉलोइंग फंक्शन आर आर परफॉर्म्ड बाई लिम्फ तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वेट वेस्ट करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन ब्लड से uh, सेल्स की तरफ करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट भी करेगा यानी सारे इसके फंक्शन हो जाएंगे फोर्थ आंसर हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिन फाइब्रिनोजन इन फाइब्रिन फिलाेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्रोटिंग विच अकर बाय द केटेलाइसिस ऑफ तो जो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है वही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है तो थर्ड आंसर हो जाएगा ऑफ द फॉलोइंग इज विद टू ह्यूमन ह्यूमन जो है कंप्लीट फोर चेम्बर्ड है सही है पेरिकार्डियम uh, से सराउंडेड है ये भी सही है लोकेटेड इन मीडिया स्टेनम दोनों लंग्स के बीच में ये भी सही है और एंडोडर्मल इन ओरिजन नहीं ये मिजोडर्मल है इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर रॉन्ग हो गया फिर इन करेक्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम सेवेंटी एम सही है कार्डियक का आउटपुट पांच लीटर पांच लीटर होगा लेकिन पांच हजार चालीस एम होता है लेकिन यहाँ पर लीटर कर रखा है इसलिए सेकेंड ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया बाकी इसी जी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ सही है एक मशीन है जो इसी है चीज को रिकॉर्ड करती है स्टेथोस्कोप हर्ट साउंड को सुनने के लिए सही है ना तो इसके अंदर गलत पूछा था सेकंड गलत हो गया इफ हर्ट साउंड रिकॉर्डिंग एंड जी आर द साउंड वुड अकर एट है ना तो सेकेंड हर्ट साउंड जो है वो आ, किस वेव के पास में होगा तो एट एक मिनट को इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ये देखो पी क्यू आर एस और ये टी तो ये पी ये क्यू ये आर ये S, और ये टी तो फर्स्ट हर्ड साउंड इस पॉइंट पे आता है और सेकेंड हर्ट साउंड जो वेंट्रिकल के सिस्टोल का एंड होता है यानी टी वेव के एंड पर तो यहाँ पर सेकेंड हर्ट साउंड जो वो क्रिएट होगा तो आप लोग इसमें एंड ऑफ टी वेव याद रखना इसको रम करना पड़ेगा एक बार हम्म तो एट टी वेव या ऐसे भी कह सकते हैं एट द एंड ऑफ टी वेव ठीक है पीएच ऑफ ब्लड इन आर्टरी एंड वेन आर्टरी में पीएच ज्यादा होता है वेन में कम होता है क्योंकि वेन जो है उसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकते हैं सीओ टू वगैरह ना तो मोर इन आर्टरी एंड लेस इन वेन सेम नहीं होगा सेकेंड आंसर हो जाएगा मैचिंग करनी है हर्ट को उसके अलग अलग जो है कंडीशन के साथ तो आप लोग देखें कि राइट एट्रियम जो है वो ब्लड कहाँ से रिसीव करेगा तो राइट एट्रियम यहाँ पे हो जाएगा वेना केवा सेकेंड तो ए का सेकेंड ए का सेकेंड फिर राइट वेंट्रिकल की बात करें तो वो राइट एट्रियम से ब्लड रिसीव कर लेगा तो राइट एट्रियम बी का थर्ड ए का सेकंड, बी का थर्ड फिर लेफ्ट एट्रियम जो है वो पल्मोनरी वेन से ब्लड रिसीव करेगा सी का फोर सी का फोर लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट ओरिकल से ब्लड रिसीव कर लेगा एट्रियम तो ये तो आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है फर्स्ट हर्ड साउंड जो लब है उसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है कि वो कहां पे तो अभी पर अपन ने बात की थी पी क्यू आर आर वेव जो है उससे ये रिलेटेड है ठीक है ओके कोडाई टेंडिनाई अगर ट्राई कस्पिड वॉल वाले अगर पार्शियली डैमेज हो जाए तो ट्राई कस्पिड यानी राइट साइड वाले अगर वो डैमेज हो गए तो ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से वापस राइट ओरिकल की तरफ चला जाएगा क्योंकि वो वॉल वापस बैक फ्लो से खुल जाते हैं और पल्मोनरी जो आर्टरी है उसकी तरफ ब्लड कम जाएगा ना तो वाट विल इमीडिएट इफेक्ट तो यहाँ पर देखना है, कि ब्लड फ्लो फ्लो ऑफ ब्लड उसकी पलमोनरी तो बात करें नहीं तो राइट एट्रियम right की तरफ जाएगा ना तो इसके अंदर आंसर जो है अपना परफेक्ट कौन सा बैठेगा वन तो क्वेश्चन नंबर एक सौ सोलह देखें इसमें पूछा गया है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाना था तो उसका ऑर्डर पूछा तो राइट right वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जाएगा लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के पास चला जाता है ना तो राइट वेंट्रिकल फर्स्ट उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी फिफ्थ और पल्मोनरी आर्टरी जो है उससे लंग्स यानी फोर और लंग्स से पल्मोनरी वेन मतलब सेकेंड और पल्मोनरी वेन से वो आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम थर्ड तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें परफेक्ट बैठ जाएगा फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन है फाइब्रिनोजन जो है वो क्लोटिंग से रिलेटेड है तो ए का वन से रिलेटेड है बी का सेकेंड तो और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस है तो उसी का थर्ड था, हो जाएगा तो सिंपल सा क्वेश्चन था फोर आंसर हो जाएगा फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन है ओके डीएलसी का ये तो न्यूट्रोफिल जो है वो 60 से पैंसठ परसेंट है तो ए का फाइव बेसोफिल सबसे कम है पॉइंट फाइव से वन परसेंट ये वाला बी का फोर और मोनोसाइट की अगर बात करें तो छह से आठ परसेंट के लगभग वो होती है जो मैक्रोफेज बनाती है और इोसिनोफिल जो है वो दो से तीन परसेंट दो से तीन परसेंट डब्ल्यू है और उसके बाद में लिम्फोसाइट जो है वो बीस से पच्चीस परसेंट है तो मैक्सिमम जो है वो न्यूट्रोफिल है फिर लिम्फोसाइट है फिर मोनोसाइट है फिर इोसिनोफिल है, है और फिर बेसोफिल है तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग मैच कर सकते हैं ठीक है ठेके? नॉट करेक्ट पूछ रहा है ह्यूमन के लिए एट्रिया आर स्मॉलर देन वेंट्रिकल ए सही है है ना और इसमें अपने को इनकरेक्ट पूछ रहा है द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाई बाइक राइट साइड तो ट्राइक स्पीड होता है ना तो बी वाला जो है वो रोंग हो गया सेकेंड हर्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ सेम्यूनर वॉल सी भी सही है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाला आर ओपन नहीं है वो क्लोज हो जाते हैं तो इसमें गलत पूछ रहा है है ना इनकरेक्ट तो एक तो गलत हो गया बी और ए गलत हो गया डी तो बी एंड डी यानी थर्ड आंसर हो जाएगा फिर पीछे चला गया ओके कंडक्शन जो है वो पूछा जा रहा है तो सबसे पहले नोड फिर इंटरनोडल फाइबर होते हैं एवी नोड फिर बंडल ऑफ हिज लेफ्ट एंड राइट ब्रांच और फिर परकिंजे फाइबर है ना तो नोड एवी नोड बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजे फाइबर ठीक है ना ये वाला गलत हो गया क्योंकि बंडल ऑफ हिज जो है वो बाद में लास्ट में दे दिया तो अपना फर्स्ट बैठ जाएगा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंजेक्टेबल मेडिसिन जो है बिना रिस्क के तो वो वेन में इं, इंट्रोड्यूस होती है क्योंकि वेन सुपरफिशियल भी होती है और इजीली वेन से ब्लड जो है वो हार्ट में जाता है हार्ट उसको पूरा पंप कर देता है तो पूरी बॉडी में वो चला जाता है है ना तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा वेन ओके यहाँ पर एक पाथवे दे रखा है और इसके अंदर क्या पूछा है इनकरेक्ट मैच आ, आइडेंटिफाइड द इन करेक्ट मेजड ऑफ मार्ग नंबर वन टू थ्री फोर इसमें गलत क्या है वो पूछ रहा है ना तो ए आर्ट्री ए आर्ट्री बॉडी टिश्यू शर्ट की तरफ आर्ट्री नहीं होती है वेन होती है तो इनकरेक्ट तो फिर नंबर वन ही हो गया और भी देख लेते हैं आ, टू सिस्टमिक आर्ट्री ये सिस्टमिक आर्ट्री सही है आ, थ्री पल्मोनरी आर्ट्री सही है फोर पल्मोनरी वेन ये भी सही है तो इसमें गलत पूछा है तो वन आंसर जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा मैचिंग वाला क्वेश्चन hmm? तो है फिर तो सुपीरियर वेना केवा बॉडी के लोअर पार्ट से डिओक्सीनेटेड ब्लड है दोबारा चेक लेते हैं अच्छा ए पे सुपीरियर वेना केवा है सुपीरियर वेना केवा बॉडी के अपर पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आ रही है ना तो ए का हो जाएगा ब्रिंग डिओक्शीनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी टू राइट right एट्रियम तो ए का फोर ए का फोर हो गया इनफीर वेना यानी बी जो है उसका हो जाएगा यहाँ पर ब्रिंग डिओ ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी टू राइट एट्रियम तो बी का थर्ड बी का थर्ड तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन ए की बैठ रहा है थर्ड है ना सी का देख लेते हैं पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंटिकल से लंग्स की तरफ क्यों तो कैरी डिओ ब्लड टू लंग्स फर्स्ट हो जाएगा पल्मोनरी वेन लंग से लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड क्यों तो पल्मोनरी वेन का यहाँ पर कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर मैच कर सकते हैं ठीक है पूछा है कि कौन से इवेंट जो अपने आप हो सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि जब आर्ट्रियम में डिपोलराइजेशन होता है तो सिस्टोल होता है और जब वेंट्रिकल पोलराइज है तो वो डाइस्ट्र के अंदर होते हैं है ना तो यहां पर ऐसा ऑप्शन तो अपने को देखना है तो ऑरिकुलर डिपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन नहीं अगर दोनों डिपोलराइज़ हुए तो दोनों में ज्वाइंट सिस्टोल हो जाएगा ऐसा होता नहीं है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन सिस्ट ऑरिकुलर सिस्टोल ये भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते ऑरिकुलर डिपोलराइजेशन वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन नहीं और जब भी पोलराइज है तो डायस्टोल होगा तो ऑरिकल जब डिपोलराइज है तो उसमें सिस्टोल हो रहा है यानी उस वक्त वेंटिकल जो पोलराइज है यानी वो सीथिल है रिलेक्स है तो वो डायस्टोल में होते फोर परफेक्ट है तो फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन है हर्ट फेलियर जब हर्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाए इफेक्टिवली तो ए का फोर हो जाएगा ए का आप लोग देख लेना इसमें मैं बोल रहा हूँ आप लोग मैच कर लेना उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा कार्डियक अरेस्ट जब सडनली वो बीटिंग करना स्टॉप दे है ना तो उसी को कार्डियक अरेस्ट करते हैं hmm, कौन सा इसमें हर्ट स्टॉप बीटिंग तो बी का फाइव हो जाएगा हार्ट अटैक सडनली मसल डैमेज हो जाए ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण तो हार्ट अटैक सी के अंदर फर्स्ट हो जाएगा और सी डी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जिसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है लाग वगैरह बन जाता है और एंजाइना एक्यूट चेस्ट पेन है चेस्ट पेन ड्यू टू इन एडिक्यूट रिचिंग टू हर्ट मसल तो ई e का सेकेंड हो जाएगा इस तरीके से आप लोग मैच कर सकते हैं विच ऑर द फॉलोविंग इज करेक्ट अबाउट द इथ्रो ब्लास्टोसिस फेटलिज जब फादर पॉजिटिव हो और मदर नेगेटिव हो और पहला बच्चा पॉजिटिव हो उसकी बर्थ हो जाए उस दौरान कुछ आर बी सी बच्चे से मदर की ब्लड में चली जाती है और उससे मदर इम्यून हो जाती है और मदर के अंदर एंटीबॉडी बन जाते हैं और सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान अगर दोबारा वो बच्चा आर एच पॉजिटिव है तो मदर के ब्लड से वो एंटीबॉडी डिफ्यूज़ होकर के प्लेजेंटा से फिटल ब्लड में आ जाती है जहाँ पर उन आरबीसी बी पर अटैक हो जाता है और ये डिजीज हो जाती है ना तो कॉज ड्यू टू सेकेंड न्यू और फिटस ऑफ आर नेगेटिव फीमेल हु गॉट मैरिड विद आर पॉजिटिव मेल सही है बिल्कुल परफेक्ट है कॉज ड्यू टू सेकेंड न्यू और फिटस ऑफ आर नेगेटिव फीमेल है ना जो आर एच निगेटिव हो और फादर जो आरएच आर एच पॉजिटिव हो और बेबी जो उसके अंदर होगा और बोर्न विथ सीवियर एनीमिया ये भी ठीक है इट कैन बी अवॉइडेड बाई एडमिनिस्ट्रिंग एंटी आर एच एंटीबॉडी टू मदर ये भी सही है तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ट्यूरिंग कार्डियक साइकिल

लेफ्ट साइड है जो सिस्टम में ब्लड को पंप करता है है ना और प्योर ब्लड तो यहां पर आंसर हो जाएगा लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट एंटायर हर्ट तो नहीं होगा टू वेंट्रिकल टुगेदर नहीं हर्ट दैट कॉन्टेक्ट अंडर स्टिमुलेशन फ्रॉम नहीं वो तो न्यूरोजेनिक न्यूरोजेनिकर्ट है तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा अपना कौन सा थर्ड ओके okay, ये फिगर दिए और क्या पूछा है इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन पूछा है ये जो है वो वेन है ये आर्टरी है क्योंकि इसकी वॉल की थिकनेस ज़्यादा है इसकी वॉल की थिकनेस कम है इसे लुमेन ने इसकी जो है वो ब्रॉड है यहाँ पर लुमेन जो है वो इसकी नेरो है ये कैपलरी है ठीक है तो ए आर्टरी सही है थिक वॉल एंड ब्लड फ्लो इवनली फिर इसमें पूछ क्या रहे है? करेक्ट करेक्ट पूछ रहे है, ओके फिर बी के लिए क्या दे रखा है बी के लिए कैपलरी थिन वॉल विद मसल लेयर नहीं इसके अंदर केवल ट्यूनिका इंटिमा होती है ट्यूनिका मीडिया नहीं होती है तो मस्कुलरिस पार्ट जो कैपलरी में नहीं होता तो बी तो गलत हो गया सी क्या है वेन थिन वॉल नहीं थिक वॉल होती है तो ये भी गड़बड़ हो गया और डी के लिए क्या दिया पलमोनरी वेन सही रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स ये वाला जो वो यहाँ पर परफेक्ट हो रहा है कि डी पलमोनरी वेन है एंड रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स परफेक्ट है और ब्लड फ्लो इवनली इवनली नहीं इसके अंदर ये ब्लड जो झटके से बहता है क्योंकि पीछे की तरफ कॉन्टेक्शन होता है इसीलिए तो अपना इसके अंदर फोर ऑप्शन बैठ जाएगा ओके ह्यूमन हर्ट वॉल अकर बिटवीन हर्ट वॉल के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो पलमोनरी वेन एंड लेफ्ट एट्रियम नहीं वहां पर कोई वॉल नहीं होते वॉल जो है वो राइट एट्रियम right के अंदर हो, जो, हो जो हो मौजूद होते हैं राइट right एट्रियम और राइट right वेंट्रिकल के बीच में भी होते हैं लेकिन राइट लेफ्ट एट्रियम जो ब्लड रिसीव कर रहा है पलमोनरी वेन से उनके बीच में वॉल नहीं होते हैं है ना तो ए तो नहीं होगा राइट वेंट्रिकल एंड पलमोनरी आर्ट्री ये बी में हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एटा यहाँ पर भी हो जाएगा बी सी एंड राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम

न्यू हाइपोथलेमस एंड न्यूरो की जगह एडिनो होगा तब सही होता तो ये गलत हो गया इंटेस्टाइन एंड लिवर है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम हैंड लिम एंड रिनल नहीं वो हमारे अंदर नहीं है तो बी हो गया गोनेड एंड ये भी नहीं है तो ह्यूमन में केवल ओनली बी फोर्थ आंसर हो जाएगा आर्टरी डू नॉट हैव वॉल बट वेन डू क्योंकि आर्टरी में ब्लड प्रेशर से बहता है और वेन में लो प्रेशर होता है तो वापस बैक फ्लो हो सकता है बैक फ्लो को रोकने के लिए ना तो ऐसा ऑप्शन देखना है ये प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन है ना तो इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन अपना परफेक्ट हो जाएगा कोई ऑक्सीनेटेड डी ऑक्सीनेटेड का कोई लेना देना नहीं है ठीक है हाउ ऑफ द फॉलोइंग वॉल आर इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीनेटेड ब्लड राइट साइड जितने भी वॉल हैं वो इम्प्योर ब्लड के कॉन्टेक्ट में और लेफ्ट साइड जो वॉल है वो प्योर के और लेफ्ट साइड जो वॉल है वो बाइक स्पीड वॉल है मिट्रल है ना लेफ्ट एवी वॉल और कौन सा है एवटिक वॉल है राइट लेफ्ट वॉल तो ऐसा देखना है तो बाइक स्पीड हो जाएगा किसके लिए ऑक्सीनेटेड बाइक स्पीड हो जाएगा यूजन नहीं है वो राइट और एट्रियम में है थीबियन नहीं है पलमोनरी सेम पलमोनरी सेमर नहीं है वो राइट right साइड है एवोटिक सेमिलोनर हो जाएगा तो इसके अंदर बाइक एंड आपका तो इसके अंदर दो ऐसे एवटिक है जो प्योर ब्लड के कॉन्टेक्ट में है ठीक है ये वाला क्वेश्चन है तो ये फिश के लिए हो गया टू चैम्बर्ड एम्फीबियन के लिए हो गया टू थ्री थ्री पॉइंट फाइव सेप्टा बन गया रेप्टाइल में होता है तो एम्फी फिश एम्फीब रेपल एंड बर्ड्स ऐसे मैच कर सकते हो तो फर्स्ट में फिश सेकेंड के अंदर रेपटाइल नहीं फिश फिश एम्फीबियन रेप्टाइल्स एंड क्रोकोडाइल भी परफेक्ट है क्रोकोडाइल में भी हो जाएगा सेकेंड क्रोकोडाइल दिया तो थर्ड आंसर इसके अंदर परफेक्ट हो जाएगा ओके okay. तो ये कुछ क्वेश्चन थे आई होप आप लोगों ने इंजॉय uh, किए होंगे सिंपल क्वेश्चन थे ज़्यादा टाइम भी एक्सप्लेन uh, करने वाले भी इतने ज़्यादा नहीं थे ठीक है ओके बेस्ट ऑफ लक